अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 4 में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। हमने फ्रैक्शंस पढ़ा था क्या होता है, फ्रैक्शन की टाइप्स पढ़ी थी, फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आपके और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब सवाल गौर से देखिए, पढ़िए के है क्या। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स व्हेन द मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स, सही है। सबसे पहला क्या बोला है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करना है, सही है, आसान बात है। अच्छा अब अगला पढ़ो, व्हेन द आंसर इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर आंसर आपका क्या आ जाए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो दैट शुड बी एक्सप्रेस एज अ मिक्सड नंबर, यानी कि होल नंबर वाली फॉर्म, मिक्सड नंबर वाली फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस करोगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है, जो कि मैथ्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मैथ्स क्या चाहता है, डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमिनेटर छोटा हो। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाली फॉर्म बन जाती है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स नंबर वाली फॉर्म में, ताकि एक तौर पर प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए। आई बात समझ में? तो आइए हम इसके आज कुछ एक्सरसाइज 4.1 करते हैं, इसे कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवाल मैं कराऊंगा, कुछ सवाल आप लोग खुद घर से करोगे, सही है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2 × 1/3, सही है भाई, ये रहा क्वेश्चन आपका, 2 × 1/3, ये सिंपल क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, तो क्या आया, 2/3, सिंपल। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाली साइड, नीचे वाला हिस्सा जो डिवाइड में हो रहा होता है, और ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, न्यूमिनेटर कहलाता है। मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, सही है। ये क्या है, 2/3, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, क्यों, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, और जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसके अंदर हमें मिक्स नंबर वाली फॉर्म की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका आंसर सिर्फ 2/3 आया। आई बात समझ में, सिंपल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, 1/3 × 8, 1/3 × 8, इसको देखते हैं, ये रहा सवाल, 1/3 × 8, इसको थोड़ा जूम कर लूँ मैं, ये क्या हुआ, 8 × 1 × 8 हुआ तो क्या आ जाएगा, 8/3, सही है। अब गौर से देखिए, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में, या मिक्स नंबर वाली फॉर्म में, मिक्स नंबर सवाल में भी लिखा हुआ है, मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो मतलब कन्वर्ट करेंगे, सही है। किस तरह कन्वर्ट होता है मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये 8 डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से डिवाइड हो रहा है, सही है भाई, ये आपको नज़र आ रहा होगा, 8 किससे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे देखें, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 8 किसके क्लोज आ जाएगा, 3 के, 3 2 = 6 के, क्योंकि 3 3 से तो 9 हो जाता है, ये 8 है, 9 ही माइनस होगा नहीं, तो 3 2 का क्या हो जाएगा, 6, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 2 डिवाइड में, चूँकि माइनस होता है आप सबको पता है, तो माइनस साइन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लगाना चाहो तो लगा लो, 8 − 6 कितना होता है, 2, और यहाँ पे 3। अब इसको किस तरह लिखते थे हम लोग, याद है ना, ऊपर वाली चीज़ जो जो डिवाइड होती थी उसको होल नंबर में लिखते थे, तो क्या, 2 होल नंबर, ये एरो जिस तरह जा रहा है, 2 होल नंबर, 2/3, फिर से देखो, 2 होल नंबर, 2/3, जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह, तो यहाँ पे इसका 8/3 का क्या आंसर आया, 2 होल नंबर, 2/3। आई बात समझ में, कोई इशू तो नहीं आया इसमें, बस कि सिंपल हमने डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा उसके बाद इसको मिक्स नंबर वाली फॉर्म में लिख दिया, बस ये इसका आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, यहाँ देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, 6 × 5/9, ये मैंने खुद ही छोड़ दिया, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सही। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 6 × 5/9, इसको देख लेते हैं एक दफ़ा, 6 × क्या है, 5/9, सही है भाई। आपको पता है ये 9 है, ये 6 है, 6 के टेबल में 9 भी आता है, 6 के टेबल, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो इसको मैंने ऊपर नीचे, दोनों ऊपर नीचे था ना, कैंसिल कर दिया, किस तरह, 3 3 = 9 और 3 2 = 6, तो ये फिर 2 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 5 बचा, डिवाइड में 3 बचा, तो 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डिवाइड में क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है बस, तो 2 × 5 = 10, 10 / 3, सिंपल। अब इसको, अब देखो, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर बड़ा है तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स नंबर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल हमने क्या किया, 10 / 3 था, 10 डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से हो रहा है, तो मैंने इसको डिवाइड वाली फॉर्म में लिख दिया, 10 डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से हो रहा है, तो 3 किसके क्लोज आ जाएगा, 3 3 = 9, क्योंकि 3 4 = 12 हो जाएगा, हमें 12 चाहिए नहीं, हमें उससे करीब करीब चाहिए, तो 3 3 = क्या हो जाएगा, 9, रिमाइंडर क्या बचा, 1, तो इससे क्या फॉर्म बन गई, 3 होल नंबर 1/, यहाँ पे अपॉन लिखना भूल गया, अपॉन
थ्री, तो क्या बन जाएगा, थ्री होल नंबर वन अपॉन थ्री। अब मैंने आपको याद ना बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, हमेशा न्यूमिनेटर चेंज होता है। तो इससे भी आप याद रख लें कि अपना डिनोमिनेटर पर आपको चेंज नहीं करना, डिनोमिनेटर आप एज इट इज रहने दें, जैसे ये थ्री है ये थ्री ही रहा, बाकी बस थ्री होल नंबर वन अपॉन, जाहिर सी बात है अपॉन में क्या होगा, थ्री होगा। इस तरह भी आप मिक्स नंबर वाली फॉर्म को याद कर सकते हो। सही है, कोई इशू तो नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, 32 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 15। सही है, पहले 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 32 अपॉन 15। सही है, अब ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाली फॉर्म है, क्यों, 32 बड़ा है 15 से, यानी कि न्यूमिनेटर बड़ा आ रहा है 15 से। तो हमें क्या करना है, वही वाला मेथड, वही डिवाइड करा, 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा क्या होता है 30, 15 टू ज़ा 30, तो 32 माइनस 30 कितना होता है 2 बचता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 होल नंबर 2 अपॉन 15, तो इसको क्या देखते हैं, 2 होल नंबर 2 अपॉन 15। यहाँ देखो फिर से न्यूमिनेटर अब छोटा आ गया और डिनोमिनेटर बड़ा आ गया, तो एक तौर पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी बन गया, इसको हम कहते हैं मिक्स नंबर। आई बात समझ में, एक और सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 2 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय 78। अब आपको पता है 13 का टेबल, अगर आप में से कुछ बच्चों को याद हो जो टेबल्स याद करते हैं, तो अब आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, 13 वन ज़ा 13, 13 सिक्स ज़ा होता है 78, तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। आप चाहो तो कैलकुलेटर में करके देखो, 13 मल्टीप्लाई बाय सिक्स करो तो क्या आएगा, 78 ही आएगा। तो 13 वन ज़ा 13, नीचे कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा, ऊपर क्या बचा, 7, ऊपर क्या बचा, 6 बचा, क्योंकि 13 सिक्स ज़ा क्या होता है 78, तो क्या बचा ऊपर, 2 मल्टीप्लाई बाय सिक्स, 2 मल्टीप्लाई बाय सिक्स क्या होता है 12। बस ये आंसर, इसमें कोई प्रॉपर इम्प्रॉपर का चक्कर ही नहीं आया, क्योंकि नीचे वाली चीज़ तो पूरी कैंसिल हो गई, सिर्फ 12 आंसर आया। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको, जितने मैंने कराए हैं ये सारे सवाल आपको समझ आए होंगे, बिल्कुल फिक्र मत करिए, इसके आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, और जो मैंने सवाल कराए हैं वो भी आपकी कॉपी में होना चाहिए, और जो सवाल मैंने नहीं कराए हैं, बाकी सब तो आपको समझ आ रहा होगा, इतना तो आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा किस तरह ये सवाल होंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर चेक करेंगे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा है या नहीं है, अगर बड़ा है डिनोमिनेटर तो वेल एंड गुड है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा नहीं है न्यूमिनेटर बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें इसको मिक्स नंबर वाली फॉर्म में करना होगा। आ रही है बात समझ में, इसमें मैंने आपको 5 सवाल कराए हैं, बाकी कुछ सवाल आप लोग खुद घर से ट्राई करिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। सही है, बस फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।